नमस्कार बच्चों, आर सी आई एजुकेशन आपके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वचन। परिभाषा, जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़का में सिर्फ एक ही संख्या का बोध हो रहा है, पुस्तकें पुस्तकें हैं इसमें एक ही मात्रा लग रही है, तो एक पुस्तक तो है नहीं। अगर एक पुस्तक होती तो वहां होता पुस्तक, एक से अधिक पुस्तक है तो यहाँ क्या आ गए? पुस्तकें, खिलौना आदि। ठीक है, वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, या वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की केवल एक ही संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, पुस्तक, मेज आदि। और इसी प्रकार बहुवचन। एक वचन आपको समझ में आ गया? एक वचन में होता है किसी एक ही संख्या का, केवल एक संख्या का बोध जहां होता है वहां होता है एक वचन। और एक से अधिक संख्याओं का जहां बोध हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है? बहुवचन। बहुवचन। अब देखो बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु वस्तु की एक से अधिक संख्याओं का बोध हो एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, मेजे आदि। ये क्या है? सारी बहुवचन। ठीक है, एक वचन हो गया, बहुवचन हो गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही काम में आते हैं। ये आपको लिखना है, नोट डाल के। ऐसे शब्द जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। पहला है आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बार, लोग। जो ये आदि शब्द हैं, कौन से? आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, बार, लोग आदि शब्द हैं जो किस में आते हैं? होश आदि। आदि शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब हमें एक वचन से बहुवचन बनाना है। और आपको बताऊं, जैसे ई वाले शब्द होते हैं इनका बहुवचन कैसे बनता है? आपको ये ध्यान रखना है कि बहुवचन बनाते समय अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है तो वो बहुवचन बनाते समय, यहां लिख लो, यदि एक वचन में
बहुवचन बनाते समय जैसे लड़की, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां, देवी, देवी। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, कि कौन सा शब्द का भी स्त्रीलिंग, सॉरी वचन एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। ठीक है, अगर एक वचन में ई की मात्रा बड़ी है तो बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, उनको आपको बहुवचन बनाना है। एक वचन दे रही हूँ, उसका बहुवचन आपको बनाना है। ये सारे शब्द आपको क्या बनाने हैं? बहुवचन इनको बनाना है। एक वचन है ये। ठीक है, आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है। आगे का हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।